शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्षदों ने शहर को बचाना है, कोरोना वायरस को भगाना है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे का नागरिकों से आह्वान, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बैंक प्रबंध के विरोध में कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलते रफ्तार को देखते हुए जिले में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से उपाय योजना करने के बावजूद नागरिकों की अनदेखी करना, नियमों की धज्जियां उड़ाना, जिस कारण कोरोना वायरस का फैलाव जिले में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी के मद्देनजर मंगलवार की शाम 5 बजे पार्षदों के नागरिकों से मिलने पहुँचे और संवाद बांधते हुए नागरिकों से अनुरोध किया कि अपने अपने इलाके में बीमारी के लक्षण किसी को दिखाई देते हैं तो तुरंत इसकी सूचना आरोग्य विभाग को दी जाए ताकि तुरंत इस बीमारी को फैलने से रोक सके। इस तरह नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाए। शहर को कोरोना मुक्त रखना है तो उपाय योजनाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना जांच के लिए यहां पर निशुल्क व्यवस्था भी की गई है, जो नागरिकों ने इसका लाभ लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, साथ ही मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। खांसी, बुखार, सर्दी या डायरिया जैसे कुछ किसी भी तरह के बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो जल्द से जल्द अस्पताल जाकर इलाज करवाए। अगर जो प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्रामीण भाग में कोरोना न फैले इसके लिए उचित उपाय करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जो तत्काल करने के लिए निर्देश भी दिए। कोरोना जांच के लिए पार्षदों में बिना मूल्य व्यवस्था की गई है। नागरिकों ने जांच करने पर इस बीमारी का डर निकल जाएगा। इस संवाद कार्यक्रम में सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस वक्त रुपेश खंडारे द्वारा शहर में हो रहे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सवाल खड़े किए। यहाँ के स्थानीय बैंक परिसर में लोगों का बड़े पैमाने पर जमाव हो रहा है। बैंक में ग्राहक एक दूसरे से लाइन में चिपक कर खड़े रहते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। यहाँ के बैंक प्रबंधक ने उचित व्यवस्था नहीं करने से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में और नियमों की अनदेखी करने में यहाँ के बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जिलाधिकारी ने तुरंत ही इस और ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं, साथ ही कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।